Dear students, welcome to the lecture series on chemical bonding. तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग की लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल्स में, उन मॉलिक्यूल्स में देखेंगे जहां पर मल्टीपल बॉन्डिंग, स्पेशली हम डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन देखने वाले हैं। यूनिट को, इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि अगर कहीं पर मल्टीपल बॉन्डिंग हो, पाई बॉन्डिंग हो, तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पर केवल सिग्मा बॉन्डिंग थी। तो सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में हमने जो हाइब्रिडाइजेशन देखा सेंट्रल एटम में, वो आसान था क्योंकि जितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे उतने ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और उतना वो उसी हिसाब से हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे थोड़ा डिफरेंट वे है हाइब्रिडाइजेशन को करने का। मैं एग्जांपल जो शुरू करना चाहूंगी बच्चों, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आप देखेंगे दो ऑक्सीजन एटम है और सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो वो है 2s2 और P2, ओके, 2s2 2p2। तो 2s2 2p2 अगर कन्फिग्रेशन आप देखेंगे तो अगर ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, बाइवेलेंट होगा क्योंकि इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये अब ऑक्सीजन एटम को अगर हम देखें तो देखिए ऑक्सीजन एटम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पहले हमें ये देखना होगा। तो ऑक्सीजन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो क्या है, 2s2p4, ओके, 2s2p4, और ये है एक ऑक्सीजन एटम। दूसरा ऑक्सीजन एटम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2s2p4, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा जो वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन होगा, ओके, तो ये है 2s2p4, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो क्योंकि यहाँ पर चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे सेंट्रल एटम के साथ, लेकिन सेंट्रल एटम के पास केवल दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए बॉन्डिंग बनाने के लिए सेंट्रल एटम को क्या करना होगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अनपेयर करना होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या हो जाएगा कार्बन का, ये 2s में एक इलेक्ट्रॉन होगा और p में क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं इस तरीके से सेंट्रल एटम के पास भी चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और सराउंडिंग एटम के पास भी चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो दैट नाउ द बॉन्ड्स कैन बी इजीली फॉर्म्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पर होता है, वो जो ऑर्बिटल होते हैं वो आसानी से ओवरलैप करके क्या बना सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब वो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो पाई भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, सिग्मा भी हो सकता है। अब अगर आप 3p ऑर्बिटल्स को देखेंगे तो 3p ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ओके, तो ये 3p ऑर्बिटल इस तरीके से उनकी डायरेक्शन हम शो कर सकते हैं। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि अगर कोई दूसरा ऑर्बिटल, देखिए मान लीजिए ये इस तरीके से हम दूसरे p ऑर्बिटल की हम क्या बनाते हैं, हम यहां पर डायरेक्शंस बनाते हैं, ओके, तो ये जो है मान लीजिए इस तरीके से डायरेक्शन है। तो आप देख सकते हैं तो एक बॉन्ड तो जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन रहा है लेकिन बाकी बॉन्ड्स में क्या होगा, देखिए ये साइडवेज ओवरलैपिंग ही पॉसिबल होगी। तो ये देखिए जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी इसे हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड और जो साइडवेज ओवरलैपिंग होगी इनको हम कहेंगे पाई बॉन्ड। तो जो पहला बॉन्ड होगा वो हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, और जो बाद में बॉन्ड बनेंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड। तो अब आप देखिए यहां पर दो पी ऑर्बिटल हैं, दीज टू पी ऑर्बिटल्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे ही यहां पर जो दो पी ऑर्बिटल हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो एक जो ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और दूसरा ऑर्बिटल क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। ऐसे ही इस ऑक्सीजन एटम का भी एक जो पी ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, दूसरा पी ऑर्बिटल क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। तो जो भी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं वो हाइब्रिडाइज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सेंट्रल मेटम के वो वाले ऑर्बिटल। तो देखिए चार इलेक्ट्रॉन है, चार में से दो तो ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये दो जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्पफुल हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
ये जो एक एस और एक पी ऑर्बिटल है ओके, ये क्या करेंगे, मिक्स होंगे और टू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे ओके. sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे ये, और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हैं देन दे कैन ओवरलैप विद दी पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड. तो इससे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ये जो ऑर्बिटल है देखिए, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके साथ क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. ये देखिए, ये जो है ये इसके साथ क्या करेगा, सिग्मा बॉन्डिंग, इस p ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, सिग्मा बॉन्डिंग करेगा. अब जो बचे हुए ऑर्बिटल्स हैं उनका क्या होगा, तो बचे हुए ऑर्बिटल्स हैं दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड विथ दिस ऑक्सीजन ऑर्बिटल एंड विथ दिस ऑक्सीजन ऑर्बिटल. तो आप ये देखेंगे जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्या बनाने वाले हैं, पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं. तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp हाइब्रिडाइजेशन. और आपने देखा था जहां भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पर जो शेप है वो कैसा होगा, लीनियर तरीके से. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कैसा होगा, देखिए कार्बन सेंट्रल एटम है. अब आपने देखा कि यहाँ पर एक सिग्मा बन रहा है इस ऑक्सीजन के साथ, दूसरा पाई बन रहा है. ऐसे ही ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बना रहा है और दूसरा बॉन्ड क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड. तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए एक ये जो मैंने हरे से दिखाया है ये एक्चुअल में पाई बॉन्ड है जो कि बाद में बनेगा, और दूसरा जो बॉन्ड है वो है देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है ब्लैक कलर का, तो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या है, पाई बॉन्ड. तो इसकी ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर ज्योमेट्री है ओके. और 180 का इसमें एंगल होगा. कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर है क्योंकि देखिए दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक s होगा दूसरा p होगा. पाई बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. तो इस तरीके से हम डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं. अब देखिए सेकंड एग्जांपल में देखिए s का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, s के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3s2 3p4 ओके, 3s2 3p4 है. तो ये जो है s ऑर्बिट s है. अब देखिए ऑक्सीजन कितने एटम है, 3. तो एक ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 2. तो 3 के पास कितने होंगे, 6. तो और सराउंडिंग एटम के पास टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो इसका मतलब है जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. तो क्या होगा कि ये अनपेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्योंकि s के पास क्या है, d ऑर्बिटल भी एम्प्टी है, तो उस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अनपेयर हो जाएगा. तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए बच्चों, देखिए d ऑर्बिटल में चले गए. ये d ऑर्बिटल है 3d, ये 3p और ये 3s ओके. अब आप देखिए कि ये कितने, 3 ऑक्सीजन एटम है. 3 ऑक्सीजन एटम अगर मैं बनाऊं तो ये 3 ऑक्सीजन एटम है. देखिए ये इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 ओके, देन 2s2 p4 ओके, देन अगेन नेक्स्ट इज 2s2 p4. इस तरीके से आपने देखा कि ये 3 ऑक्सीजन एटम है, इनके पास 2-2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. लेकिन आप जानते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन है ये पाई बॉन्ड बनाने वाला है, इसका भी दूसरा इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड बनाने वाला है क्योंकि दो में से एक सिग्मा बनेगा एक पाई बनेगा. यहां पर भी एक क्या बनाने वाला है, पाई बॉन्ड बनाने वाला है. तो 3 जो इलेक्ट्रॉन है, 3 जो ऑर्बिटल है वो ऐसे ओवरलैप करेंगे जो कि साइडवेज ओवरलैपिंग होगी सेंट्रल एटम के साथ. इसलिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल में छोड़ दीजिए, 3 ऑर्बिटल्स को छोड़ दीजिए क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या बनाने वाले हैं, वो पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं. बाकी जो बचे हुए ऑर्बिटल हैं वो कौन से हैं, एक s है और 2p है. ये 3 इलेक्ट्रॉन छूटेंगे क्योंकि ये तीनों क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे. होगा देखिए यहां पर
ये एक एस और दो पी ऑर्बिटल ये मिक्स होंगे एंड दे विल फॉर्म 3sp2 hybridized orbital. 3sp2 hybridized orbital बनाएंगे और ये 3sp2 hybridized orbital में से एक जो है वो ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बनाएगा, दूसरा दूसरे ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और तीसरा तीसरे ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. तो बचे हुए ऑर्बिटल हैं ये ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे. तो इस तरीके से आप देखेंगे, ये देखिए एक सल्फर और एक ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, दूसरे सल्फर और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तीसरे सल्फर और तीसरे ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड है. इस तरीके से अगर हम ज्योमेट्री देखेंगे इसकी, तो ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, इसकी ज्योमेट्री आएगी ट्राइगनल प्लेनर. क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का आएगा. क्यों? क्योंकि एस के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और हम जानते हैं कि जहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहां पर एंगल 120 का होता है. और क्या होता है कि ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगनल प्लेनर होगी. ओके, अब आप देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 sigma, 2 sigma and 3 sigma. ये बाकी जो दूसरा बॉन्ड है वो क्या है, पाई बॉन्ड है. ओके, तो कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए, 3. 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कि 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन में केवल हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, यानी जहां पर इस ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है केवल वही ऑर्बिटल हम कंसिडर करते हैं किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए. जो हम मॉलिक्यूल देखेंगे वो है Cl2O7. Cl2O7 में अगर हम एक Cl को देखें तो ये Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2p5. ओके, 3s2p5 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, यानी एक Cl के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ओके, अब देखिए यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 7. 7 का मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के पास. यानी दोनों Cl, दो Cl के पास, एक Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास कितने होंगे, 14. यानी दोनों Cl के केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की अनपेयरिंग हो जाएगी सारे इलेक्ट्रॉन्स की. ओके, ये है 3s, ये है 3p. ओके, इसके आगे ऑर्बिटल और है वो है 3d. तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अनपेयर हो जाएंगे, जिससे कि आसानी से ये क्या बना सके, बॉन्ड बना सके. तो ये 3s है, ये 3p है और ये 3d है Cl का. ओके, ऐसे ही दूसरे Cl का ऑर्बिटल्स होंगे और दूसरे Cl के ऑर्बिटल्स में भी क्या होंगे, ये सारी की सारी अनपेयर हो चुके होंगे. ये p ऑर्बिटल है दूसरे Cl का और ये यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये 3d है, ये 3p है और ये 3s है, ये दूसरा Cl एटम है. ओके, नाउ हम देखते हैं कि कितने ऑक्सीजन एटम है. मैं केवल ऑक्सीजन एटम लिख रही हूँ. ओके, यानी एक ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सातवां. तो 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं. ये 7 ऑक्सीजन एटम के पास हर एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है. तो एक तो बनाएगा सिग्मा और एक बनाएगा पाई बॉन्ड. यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि एक ऑक्सीजन जो है वो ब्रिज की तरह एक्ट करेगा 2 क्लोरीन एटम के बीच में. तो इसके मैं 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रही हूँ, ऐसे इलेक्ट्रॉन लिख दे रही हूँ. ओके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से हैं इस ऑक्सीजन की, बाकियों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है. ओके, 2-2 इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बनाएगा, एक पाई बनाएगा, जबकि जो ब्रिजिंग होगा उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं. ओके, तो कितने पाई बॉन्ड बनने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाई बॉन्ड बनने वाले हैं. तो एक क्लोरीन एटम जो है वो 2 क्लोरीन एटम है, तो 2 क्लोरीन एटम के साथ 6 पाई बॉन्ड बनने वाले हैं. तो एक क्लोरीन एटम के साथ कितने बनेंगे, 3 पाई बॉन्ड. सो 3 पाई बॉन्ड बनेंगे. तो 3 ऑर्बिटल को छोड़ दीजिए और दूसरे में भी 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे हुए ऑर्बिटल हैं दे विल हाइब्रिडाइज. देखिए 1s और 3p, तो क्या बन जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ऐसे ही इस क्लोरीन एटम में भी होगा. ये देखिए
कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। और ये ऑर्बिटल क्या होंगे, चलिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं हम, ये दो दो, ठीक है। वैसे आपको सारे ऑर्बिटल्स बनाने चाहिए, तो मैं आपको बताने के लिए ये दो दो इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है वाले इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहे हैं, ओके। तो आप देखेंगे कि ये देखिए, ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये इस ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये तीसरे ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और ये जो है ये इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब दूसरे क्लोरीन को ले लीजिए, ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये इस ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और ये sp3 हाइब्रिडाइज इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ओके। अब किसकी बारी बची, जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए अब इसके बाद जब सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा फिर पाई बॉन्ड, यहां पर क्या बनेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देन ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी पाई बॉन्ड बनाएगा। इसी तरीके से ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ बनाएगा, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ बनेगा, और इस इलेक्ट्रॉन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, देखिए क्लोरीन में ये डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड यहाँ है और तीन डबल बॉन्ड यहाँ है। तो इस तरीके से जो ज्योमेट्री हमें मिलेगी कुछ इस तरीके की मिलेगी कि ये देखिए, ये O है, ये Cl एटम है, ये O एटम है, ओके। और इसके साथ एक Cl के साथ तीन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, ओके। तो इस तरीके की ज्योमेट्री हमें कुछ मिलेगी कि हरेक क्लोरीन के ऊपर कैसा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 का मतलब ज्योमेट्री कैसी होगी, एक क्लोरीन के चारों ओर कैसी ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ओके। तो आप देखिए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहा है एक क्लोरीन के चारों ओर, 1, 2, 3 एंड 4, तो चार सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। इसका मतलब है कि चार ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक एस होगा और तीन पी ऑर्बिटल होंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, उसी के अकॉर्डिंग इसकी क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल को अभी हम बहुत इजीली उसके सेंट्रल एटम पर हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 को मैं कंप्लीट नहीं बनाने वाली हूँ, आपको बता रही हूँ कि S जो है वो सेंट्रल एटम होता है, ओके। ये सेंट्रल एटम है जिसका कि हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो अगर मैं आपकी इसकी ज्योमेट्री दूँ तो आप उससे भी बता सकते हैं कि इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। बाकी टेक्निक मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे, इसकी ज्योमेट्री अगर हम देखेंगे, तो देखिए इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके की होती है। और इस तरीके की ज्योमेट्री होती है कि इसमें अगर आप काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, 1, 2, 3, 4, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। 4 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब 4 ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या क्या होंगे वो, एक तो इनर ऑर्बिटल होगा ही होगा, उसके बाद कौन से ऑर्बिटल आते हैं, 3, यानी एस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। तो हमें केवल कौन से बॉन्ड काउंट करने हैं, सेंट्रल मेटल के चारों ओर सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे वही उसमें उतने ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो हम आसानी से हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तरीके से बच्चों आपने देखा कि कैसे हम आसानी से हाइब्रिडाइजेशन का पता कर सकते हैं इन सेंट्रल एटम ऑफ अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। अगर इफ वी काउंट द सिग्मा बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल, वी कैन इजीली प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन इन द सेंट्रल एटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन इन डबली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। आपने देखा कि यहाँ पर केवल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है और किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉन पेयर की बात नहीं हो रही है, ओके। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन कुछ आयंस का पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे, यू विल बिकम परफेक्ट इन predicting the hybridization in the central metal of a covalently bonded molecule, okay? So thank you very much.